अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माड़ा नाम एहसानुल्लाह ते तुसां तकणे हो पे पठवारी कल्चर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज असा एक बहुत ही मशहूर मारूफ जगह ते मौजूद हाँ, सवावा ने मुकाम पर सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने मज़ार ते तुसां इत्थे सैर भी करासा इंशाल्लाह ते कुछ इन्हां दी हिस्ट्री ने बारे च भी दसा। बेसिकली सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जड़े गजनी ने रहने वाले सन, जड़ा गजनी एक अफगानिस्तान एरिया है उत्थे रहने वाले सन, ते बहुत ही बहादुर और नडर आदमी सन। ते उन्होंने मुकाबला होया पृथ्वीराज नाल, जड़ा हिंदू राजा सी अपने हिंदुस्तान ना बहुत बड़ा राजा सी, उस नाल उन्होंने मारका होया थानसर ने मुकाम पर। ते पहले उन्होंने जड़ा मुकाबला होया सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ना उसने प्रभु नाल, जड़ा पृथ्वीराज ना भरा सी उस नाल होई है। ते उस मुकाम पहले उन्होंने जिहड़ी जंग सी उस जंगा विच सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी बड़े जख्मी होए, उन्हां की एक जख्म लगा जिहड़ा पृथ्वीराज चौहान ने प्रभु ने तलवार नाल उन्हां की लगा। ते उस ही दौरान बिल्कुल इतना नज़दीक ही सुन के शहाबुद्दीन गोरी अपने घोड़े पर उठे ही पड़, ते इतने ही देर उन्होंने एक खिलजी गुलाम सी जिहड़ा वो अगे बढ़ी के उन्होंने घोड़े पर सवार होया, उन्हां की आसरा दिता और वह तकरीबन नीम बेहोशी ने हालत ही सुन। ते बहुत सख्त जिहड़ा गहरा जख्म सी उन्होंने, जिहड़ा कुछ तारीख दसनी है कि उन्होंने पिंडली कोल जिहड़ी है ज़र्ब लगी है। ते उस बाद उन्होंने सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की लाहौर खड़िया गया, जिहड़ा बड़े सीरियस हालात ही सुन, उन्होंने बड़ा गहरा जख्म सी। ते उत्थे उन्हां की लाहौर उन्होंने इलाज मुआलजा होया, तो उस तो बाद फिर वो वापस चले गए अपने शहर गजनी अफगानिस्तान। ते वो जिले उन्होंने की अपने जख्म जिले उन्होंने थोड़ा जहा वल होया, थोड़ी जी सेहत उन्होंने बहाल हुई सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने। ते उन्हें एक बड़ा पावरफुल इनिशिएटिव है कि दा के जेड़े भी उत्थे उन्हें नाल जेड़े सरदार सन, जेड़े सिपा सलार सन, जेड़े उन्होंने छोड़ी के पिछे अपने ग्रां अपने मुल्क अपने इलाके गजनी में चले गए। ते सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी उन्होंने बड़िया सख्त सजावं दीतिया, ठीक है। उन्होंने ये मौकफ सी कि तुसा क्यों मुसलमान हो तो तुसा जंग ने दौरान पिछे हटी ना हो सकने। उन्होंने एक साल, दोस्तों मैं संग दसना चाहना कि सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जड़ा वो एक साल अपनी बीवी बच्चों को नहीं गए, उस तो बाद उन्होंने जोड़े कपड़े लाए सुन जंग ने दौरान, हालांकि फटे सुन खून आलूद सुन, ते उन्होंने कपड़े एक साल उन्होंने अपने नाल वादा किया कि जदों तक मैं हिंदू राजाओं को लूँ जोड़ा पृथ्वीराज है उस को जित तक मैं अपना बदला ना कि नहीं चकना, अपना बदला ना कि नहीं चुकना, उस तो पहले मैं ना अपने कपड़े बदलना ना मैं अपनी बीवी बच्चों को गछना। ते उस तो बाद एक साल लगातार उन्होंने मेहनत की है सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अपने जोड़े सिपा सलार नाल कि 12,000 ने फौज तैयार की, ते चले गए फिर उस मार के कि अंजाम तक पहुँचाने थी। ते फिर एक पृथ्वीराज ने दरमियान ते सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने दरमियान एक फिर बहुत बड़ा मारका होया। ते सुल्तान शहाबुद्दीन जंगी लिबास पहनी क्या ते अपने सिपा सलारा की तैयार करी क्या ते बिल्कुल नुमाइंदगी करने गए ना अपनी जंग ने। ते दोस्तों मैं दसना चाहना कि सिर्फ 12,000 ने मुकाबले विच तकरीबन जड़ा वो तारीख दसनी है कि 1.5 से 2 लाख जी फौज सी अगे, तकरीबन 150 राजा ऐसे सुन जड़े हिंदू राजा सुनो, उन्हें पृथ्वीराज बड़ा करी के सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने खिलाफ उकसाई के उन्हें इकट्ठा किया गया और 150 राजा और पृथ्वीराज ये सारे इकट्ठे हुई के सिर्फ 12,000 ने लश्कर अपर चढ़ दौड़े। ते फिर तारीख आखनी है कि शहाबुद्दीन गोरी इसा उन्हें पर टुटे इसा त्रुटे कि दुश्मन दिया जड़िया सफा सन उन्हें लड़जा तारी हो गया। ते उस तो बाद उन्होंने भरपूर जंग की है अपने सिपा सलारा नाल और अपना भरपूर जड़ा वो शिकस्त ना बदला किया और इतने तक तारीख लिखनी है कि दोस्तों कि जड़ा पृथ्वीराज चौहान सी जड़ा साढ़े पड़ोसी जड़े ममालिक ने उसकी बड़ा करैक्टर समझने बहरहाल वो मैदान जंग चू नसी गया, ठीक है, और कितना पिछे उन्होंने मुसलमान फौजा उसने ताकुब किया और उसकी नपी गांधा और उसकी कतल करी छोड़िया। ते ये थोड़ी जी जी है हिस्ट्री तुसा कि मैं दसना चाहना सा जी सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जड़ा मारका जड़ा सरंजाम दिता। और दूसरी गल यह दोस्तों के इस तू पहले जड़ा ये तुसा मज़ार पिछा तक रहे हो, ये मज़ार इस हालत नहीं सी,
बेटे स्पेशल असा दिले तू बड़े मशहूर हाँ अपने जो डॉक्टर साहब ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब उन्होंने बड़ा मशहूर असा कि उन्होंने इनिशिएटिव किदा है तो इसकी रेनोवेट किदा ने बल्कि रेनोवेट का पूरा एक प्रॉपर तौर पर जो इसकी दर्जा देता गया और तुसा बिल्कुल इस वीडियो भी तक सो कि बड़ी खूबसूरत है दरबार है बड़ा खूबसूरत है मज़ार है तो बड़ी अच्छी जगह है तो तुसा कि इंशाल्लाह इसने थोड़े बहुत क्लिप तुसा फिर सा तुसा इतना तो इंशाल्लाह तुसा बहुत महसूस हो सो। अच्छा तो दोस्तों एक और बड़ा अहम नुक्ता जो मैं तुसा कि दसना चाहना जरा तुसा क्लिपा ही दसा सामने एक मिसाइल लगे आ गौरी मिसाइल तो यह जो गौरी मिसाइल है बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की काविश है जिन्हें साढ़े मुल्क पाकिस्तान वास्ते साढ़े वास्ते तोहफा है नाजरीन जोड़ा इन्हें साढ़े की दिता है वो पूरी समझी कि पूरी पाकिस्तानी कौम वास्ते ये तोहफा है तो यह बिल्कुल जो मिसाइल है 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है तो यह जोड़ा बलिस्टिक मिसाइल से यह डॉक्टर साहब ट्रिब्यूट की है शाहबुद्दीन गौरी साहब की और उन्होंने नया नाम पर रखा गया गौरी बलिस्टिक मिसाइल। अच्छा तो दोस्तों बूही प्यारी जगह बहुत ही बहादुर शख्सियत शाहबुद्दीन गौरी असा बिल्कुल तुसा की मैसेज देसा कि तुसा इतने अच्छो अपनी फैमिली आनो विजिट करो यकीन मनो कि रूह ताज़ा होया इन्होंने मज़ार पर हाजरी देई के फातिहा खानी की थी इतने तो यकीन मनो दिल बहुत पुरसकून होया क्योंकि ये मुसलमान बहुत बड़े सिपा सलार सन और बहुत जंगजू कौम सी जो गजनी तुसा की पता है बड़ी जंगजू कौम सी तो यकीन इस मुसलमान कौम की एक हीरो ने तौर पर उभरे नो तो मुसलमान कौम ने हीरो शाहबुद्दीन गौरी तो बिल्कुल तुसा अच्छो इस जगह की एक्सप्लोर करो आपू अच्छो फैमिली आनो यकीन मनो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की जी काविश है बहुत अच्छा जरा इन्हें इतने इंतजाम किए हैं बहुत अच्छा मज़ार बनया तो तकरीबन फैसिलिटियां मौजूद नो नाजरीन हो तो बाकी असा कुछ इंतजामिया गल हुई है तो उन्होंने कहना कि बाकी इतने असा तुसा बिल्कुल मुलाकात करवा और बाकी लोगों भी उन्होंने कहना कि कोरोना के हवाले कोरोना की वजह तू जरा जे तफरी मुकाम जे विजिटर नो बहुत घट आ रहे हैं तो बाकी आम डे इतना बड़ा रश होना वै तज असा आए हैं इतना फिरे टुरे हाँ फातिहा खानी की है यकीन मनो दिल जरा बड़ा खुश होया जो क्योंकि एक मुसलमान हीरो ने असा कब्रे पर जियारत की हुई है और उन्हें फातिहा खानी भी की है तो उम्मीद कर सा तुसा दोस्त सारे भरा बड़ा पसंद कर सो इस वीडियो की तो साढ़े चैनल की लाइक करो सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों तक शेयर करो तो इंशाल्लाह ही है जी एक और हिस्टोरिकल जगह तक मुलाकात होसी अल्लाह हाफिज़।